और सलाखनुमा मकनातीस। सबसे पहले मकनातीस और चंद पीने लीजिए। इन्हें इन पीनों को इस तरह रखिए कि इनकी एक दूसरे से कशिश ना हो। सलाखनुमा मकनातीस को इसके आहिस्ता आहिस्ता करीब ले जाइए और मुशाहदा करके देखिए। पीने मकनातीस से चिपक गई, पीनों से दूर मकनातीस पीनों से दूर होने के बावजूद भी पीने इससे चिपक गई। इससे यह जाहिर होता है कि मकनातीस दूर से भी असर करता है। एक मकवा लीजिए और इसके ऊपर सलाखनुमा मकनातीस रखिए और इसके इर्द गिर्द लोहे का बुरादा फैला दीजिए। अब ये मकवे को तबस्सुम उठाए दीजिए और इसके नीचे से हल्की हल्की जरब लगाइए, देखिए क्या होता है। बरतानवी साहिदा माइकल फैराडे ने सलाह से किया नतीजा अख्ज होता है। बरतानवी साहिदा माइकल फैराडे ने सलाखनुमा मकनातीस के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाले खतूत को मकनातीस की कुव्वत के खतूत बताया। मकनातीस की तरह जितने इलाके तक शेप पर मकनातीस की कुव्वत अमल करती है इसे मकनातीसी मैदान कहते हैं। मकनातीस की तरह ये मकनातीसी मैदान मकनातीस कुव्वत के खतूत के जरिए दिखाया जा सकता है। इकाई रकबे पर उम्मीदी सिमत में कितने कुव्वत के खतूत बनते हैं इस पर से इस जगह मौजूद मकनातीसी मैदान की शिद्दत मालूम की जा सकती है। माइकल फैराडे ने यह फर्ज किया कि मकनातीस के एक खुतुब से दूसरे खुतुब की जानिब जाने वाले मकनातीस कुव्वत के खुतूत होते हैं जो नजर नहीं आते और इन्हीं खुतूत के कुव्वत की वजह से कशिश और दफा का अमल होता होगा। फैराडे के इस ख्याल को अगर मान लिया जाए तो ऊपर दिए गए तरीके से मकनातीस मैदान की शिद्दत मकनातीस कुव्वत की खतूत की कुव्वत की मदद से मालूम की जा सकती है। मकनातीस के जरिए बनने वाले मकनातीसी मैदान में जहाँ मकनातीसी खतूत कुव्वत में फासला ज्यादा होता है वहाँ मकनातीसी मैदान की शिद्दत कम होती है और जहाँ ये करीब होते हैं वहाँ शिद्दत ज्यादा होती है। एक बॉटल लीजिए और इसमें कुछ पीने डाल दीजिए। तबस्सुम आप इधर धीरे से इसको फिराइए बॉटल के आसपास। तो देखा आपने आपको क्या नजर आ रहा है। इससे यह जाहिर होता है कि माय के अंदर भी मकनातीस होती है। शुक्रिया।